लेकिन मैं शादी से पहले भी तो नौकरी करती थी, अब क्यों नहीं मैं नौकरी कर सकती हूँ? इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? इसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम्हें पता हमारे यहाँ की औरतें घर से बाहर नौकरी करने नहीं जाती हैं, सिर्फ घर के ही काम करती हैं, समझ गई? तो मैं तो घर के कामों के लिए मना कर रही हूँ, मैं बाहर जॉब भी करूंगी और घर के काम भी करूंगी। बाकी औरतें जॉब नहीं करना चाहती हैं, वो उनकी मर्जी, पर मैं तो जॉब करना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम बाहर नौकरी करके पूरी रिश्तेदारी में हमारी नाक कटवाना चाहती हो? लोग क्या कहेंगे, कि हम औरत की कमाई खाते हैं? इसमें औरत की कमाई खाने वाली बात कहां से आ गई? जमाना अब बदल चुका है, अब आदमी और औरत दोनों ही घर के काम भी करते हैं और बाहर के काम भी करते हैं। अगर आपको मेरे से नौकरी ही नहीं करवानी थी तो आपको मेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि घर के सारे काम तो कम पढ़ी लिखी भी लड़की कर सकती है। हो गया तुम्हारा, अब अपनी बकवास बंद करो। मेरी माँ भी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन आज तक वो नौकरी करने बाहर नहीं गई, उसने हमेशा अपना घर ही संभाला है। और एक बात तुम्हें और बता दूं, एक औरत एक ही काम कर सकती है, या तो वो नौकरी कर सकती है या वो घर के काम कर सकती है, दोनों काम एक साथ कभी नहीं कर सकती। गलती कर दी मैंने तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करके। लंच पैक करो मेरा, मैं जा रहा हूं ऑफिस। क्या फायदा इतना पढ़ाई लिखाई करने का जब अपनी कोई पहचान ही ना बना पाओ। शादी के बाद एक लड़की सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली बन के रह जाती है। बेटा क्या कर रहे हो? जी मम्मी जी। मैंने सब कुछ सुन लिया है, मैं समझ सकती हूँ तेरा दर्द। बेटे जो तेरे साथ आज हुआ है ना, बरसों पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। बेटा इन घर के कामों में तो मेरे भी सपने अधूरे रह गए थे। मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं करा, लेकिन मैं तेरे को सपोर्ट करूंगी, ठीक है? जो तेरे सपने हैं तू अपने पूरे कर। मम्मी जी थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए और मुझे समझने के लिए। और मम्मी जी मुझे जो ये नौकरी मिली है ये बहुत ही अच्छी नौकरी है, ये वर्क फ्रॉम होम है और 5 घंटे ऑनलाइन काम करना है और सिर्फ हफ्ते में 2 दिन ऑफिस जाना है। और मम्मी जी मैं सच कह रही हूँ, मैं घर के कामों में भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी आपको, मैं इस नौकरी को भी बहुत अच्छे से करूंगी और घर के काम भी सारे अच्छे से करूंगी। बेटा घर के काम की बिल्कुल चिंता न कर, सिर्फ अपनी नौकरी पे ध्यान दे। थैंक यू मम्मी जी। आज मेरी जॉब का पहला दिन है, सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा है। 15 मिनट का टी ब्रेक मिल गया है, इस बीच में मम्मी जी के लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। जल्दी से बना लेती हूँ, 15 मिनट का टाइम मिला है। बेटे ये क्या कर रहे हो? मम्मी जी 15 मिनट का टी ब्रेक मिला था, मैंने सोचा आपके लिए कुछ खाने के लिए बना। मैं कर लूंगी अपनी जॉब, देखो मैं बना लूंगी मम्मी जी, 15 मिनट है मेरे पास। नहीं मैं कर लूंगी, आप अपनी जॉब देखो, जाओ जाओ। थैंक यू मम्मी जी, जाओ जाओ। अरे यार ये कमर दर्द, एक तो ऑफिस में काम का प्रेशर, ऊपर से मेरा कमर दर्द, अब तो 1-2 घंटे ज्यादा मैं चेयर पे बैठ नहीं पाता हूँ। आज शाम को जाते हुए डॉक्टर को जरूर दिखाऊंगा। बेटा ये लो कॉफी। मम्मी जी आपने क्यों कॉफी बना दी? बेटा पहले ये बताओ आपकी जॉब कैसे चल रही है? मम्मी जी जॉब बहुत अच्छी चल रही है और मेरे काम को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और मम्मी जी थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो, और मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे एक सास के रूप में एक माँ मिल गई है। आ गए ऑफिस से? क्या हुआ इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अंदर तो आने दो। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? मम्मी जी देख रहे हैं कुछ कह ही नहीं रहे हैं। मम्मी जी मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? मैंने आप सबको बताया नहीं था कि मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। असल में ऑफिस में 8-10 घंटे एक ही चेयर पर बैठना पड़ता है, उसी के कारण मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहने लग गया है। तो आज डॉक्टर को दिखाया था,
डॉक्टर कह रहे थे जी कम से कम आप 6 महीने तक तो नौकरी छोड़ दो, ये तो बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस घर की EMI, बच्चों के स्कूल की फीस, मेरी गाड़ी की EMI, इतना सब कुछ अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो कैसे मैनेज हो पाएगा। बेटे अपनी सेहत का ध्यान रख, घर के खर्चों की बिल्कुल चिंता ना कर। मम्मी जी क्यों ना टेंशन लूं, ये नौकरी मुझे हर हाल में करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो ये सब कैसे मैनेज होगा, कितने खर्चे हैं हमारे हर महीने के। हाँ मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको घर के खर्चों की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी और मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी, मुझे बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई है गूगल में, जो कि वर्क फ्रॉम होम है। मैं घर पे ही 5 घंटे अपनी जॉब को देती हूँ और मैं घर के भी सारे काम करती हूँ। मम्मी जी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं और वो बहुत ही अच्छा पे भी कर रहे हैं, जिससे कि हमारे घर के सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे। क्या कितना गलत था मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तुमने बिल्कुल सही कहा था कि जमाना बदल गया है, अब औरत और आदमी दोनों ही बाहर काम करने जाते हैं। बहुत ही गलत सोच रख के बैठा था मैं, मुझे माफ कर दो।